राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 और 23 की जो इसकी अभी 24 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित हुई उसके ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। तो आइए उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, आप अपने अपने पेपर्स में मिला सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए। अब आप ज़रूर उसके बाद बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए, और क्योंकि आप ऑफिशियल की से मिला लेंगे, अगर कोई आपत्ति भी अगर है तो आप उसको कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। देखिए यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज, और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय की जो लिस्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की उत्तरमाला आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में कोई उत्तर गलत लग रहा है और आपको लगता है कि आपने सही किया है तो उसका सबूत देते हुए यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपलोड करना बताते हैं। देखिए ये आपने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करते ही देखिए आपत्ति दर्ज करें, अपने आपत्ति प्रमाण पत्र जो प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं कि ये सही है उसका एक PDF बना लें, और PDF द्वितीय चरण यानी यहाँ से आपको क्लिक करते हुए द्वितीय चरण से रोल नंबर अपना लिखिए, सर्च करिए डाटा, और डाटा का सर्च करने के बाद आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपत्ति फॉर्म हो गया, आप आसानी से अपनी आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं ये आगे पहले पेज पर ही, तो यहाँ से उत्तरमाला आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये जो है आप आसानी से इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आंसर की मैच कर लेंगे। 180 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक एक करके आप चीज़ों को देखिए, ये विस्तृत यहाँ दिया गया है। आप देखिए रोल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर एक का तीसरा सही है, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, इस तरीके से आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 180 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। ये 27 तारीख को ये रिलीज़ कर दिया गया है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।